नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम महाराज, जय जय हनुमान, जय होशियाराम। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और अपना कीमती समय भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सोमवार को हम लोग शिव जी का पूजा करते हैं। शिव जी जो हर एक मनोकामनाएं को पूर्ण करते ही करते हैं, इसके लिए महिलाएं 16 सोमवार भी करती है। बहुत सारी लड़कियों के भी द्वारा 16 सोमवार किया जाता है, अच्छा घर और अच्छे वर के लिए। दोस्तों, लेकिन कुछ खास दिवस होता है जो कि हमारे साल में आता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिव जी का सोमवारी महाशिवरात्रि हमारे लिए बेहद ही खास है। इसमें हम शिव जी को जितना चाहे प्रसन्न करके अपनी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं। इसके लिए आपको सोमवार को व्रत भी रखती हैं या सोमवार का ऐसे भी आप कथा सुनती हैं। लेकिन दोस्तों, सोमवार को इस बार महा एकादशी भी है। इस दिन शिव जी के साथ साथ आप सभी को विष्णु देवता को भी खुश करना है। विष्णु देवता को खुश करना यानी लक्ष्मी माँ को भी प्रसन्न करना। अगर लक्ष्मी माँ को आपने प्रसन्न कर दिया तो फिर आपके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इस बार वरुणिथि एकादशी 1 मई को है। जैसा कि सोमवार का दिन है, इस दिन विष्णु भगवान जी का आप सभी को बेहद ही खास तरीके से पूजा करना है। सुबह उठ करके स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहन के विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग आप सभी को पता है पीला है, पीला चंदन लगाइएगा, फूल चढ़ाइएगा। अगर आप सक्षम हैं तो एक पीला वस्त्र भी चढ़ाइएगा और इस तरीके से पूजा कीजिएगा। आज का बेहद खास उपाय होने वाला है, जो कि चमत्कारी उपाय होने वाला है, हल्दी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान को पीला रंग कितना प्रिय है, इसलिए हम लोग गुरुवार को हल्दी भी चढ़ाते हैं। अगर आप केला के वृक्ष में पूजा करती हैं तो इस दिन आप हल्दी भी चढ़ाती हैं और विष्णु भगवान जी को भी पूजा करती हैं। अगर आपके पास हल्दी का पाउडर है तो भी आप यह उपाय कर सकती हैं। कच्चा हल्दी है तो भी कर सकती हैं, या अगर सूखा हुआ हल्दी है तो भी आप यह उपाय कर सकती हैं। ध्यान रहे, आप अपने घर में यह उपाय करिए तो मंदिर के नीचे बैठ के कीजिएगा। अगर आप मंदिर में जाकर यह उपाय करिए तो वहाँ पे भी आपको बैठ के ही यह उपाय करना है। इसके लिए आपको एक हल्दी ले लेना है। हल्दी का गांठ लीजिए, हल्दी का चूर्ण लीजिए, जो आपके पास संभव है वह ले लीजिएगा। अब इसके साथ साथ आपको चावल लेना है। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप किसी भी गरीब को या ब्राह्मण को चावल या कुछ अन्न दान करती हैं तो आपके घर में हमेशा ही अन्न का भंडारा भरा रहेगा। इस दिन किसी भी गरीब को भोजन कराना या अपने घर में पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता को खाना खिलाना बहुत ही ज़्यादा पुण्य माना गया है। इसके लिए आपको चावल ले लेना है। आप एक मुट्ठी चावल ले सकती हैं। अगर आप पूजा पाठ में ढेर सारा चावल रखी हैं अक्षत के रूप में तो आप उसमें से भी एक मुट्ठी चावल ले सकती हैं। चावल लेने के बाद आपको सर्वप्रथम नीचे चावल प्लेट में रखना है, उसके ऊपर से हल्दी का गांठ डाल देना है। अगर हल्दी का पाउडर है तो वह भी आप डाल सकती हैं। इसके बाद आपको इसी थाली में घास डाल देना है। दोस्तों, हम लोग अपने घर के बाहर में देखते होंगे दुब्भी का प्रयोग करते होंगे, जो कि गणपति जी को चढ़ाया जाता है। दुब्भी का भी एक अपना महत्व होता है। कहा जाता है कि दुब्भी गणपति जी को चढ़ाने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी नियम के अनुसार रोज दुब्भी चढ़ाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सोमवार को भी दुब्भी शिव जी को जरूर चढ़ाइएगा, वह भी अक्षत के साथ। माना जाता है ऐसे करने से भी आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद आपको दुब्भी ले लेने के बाद आपको सुपारी लेना है, पूजा का सुपारी। अगर आपके पास बड़ा वाला सुपारी है तो वो भी आप ले सकती हैं, नहीं तो आप छोटा वाला भी सुपारी ले सकती हैं। सुपारी लेने का एक अपना नियम होता है कि हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग 5 सुपारी देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, इसीलिए आपको 5 सुपारी लेना है। छोटा
छोटा वाला। अगर आपके पास बड़ा वाला है तो आप 2 ले लीजिएगा, और छोटा वाला है तो आप 5 ले लीजिएगा। 5 सुपारी ले लेने के बाद आपको उसी थाल में रख देना है जिस थाल में आपने चावल, हल्दी और दुब्भी रखा है। अब आपको इसमें 5 लौंग डाल देना है। दोस्तों, माना जाता है कि लौंग का दिया जलाने से घर में अगर किसी भी तरह की बुरी साया हो, नकारात्मक ऊर्जाएं हों, वह दूर हो जाती है। अगर आपके पास लौंग खड़ा वाला है तो आप ले सकती हैं, नहीं तो अगर आपके पास लौंग का पाउडर है तो आप वह भी ले सकती हैं। लेकिन लौंग अगर आपके पास खड़ा वाला है तो ध्यान रहे आपको 5 लेना है, और वह कहीं से भी टूटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको यह लौंग उसी चावल के थाल में रख देना है। लौंग लेते समय एक बात का और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि अगर आप ऐसे भी घर में दिया बाती करती हैं तो उसमें भी एक लौंग आप अवश्य जलाइएगा, इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आपको यह सारी चीज़ें एक पीला पोटली में रख देना है। अगर आपके पास पीला छोटा सा कोई बैग जैसा सामान हो जिसमें कि यह डाल के आसानी से आप बांध सकती हैं तो रख दीजिएगा, नहीं तो आप इस पीला कलर का एक वस्त्र ले लीजिएगा और उसके अंदर आप सारे सामान को डाल करके और अच्छा से गांठ लगा दीजिएगा ताकि वह गांठ आपका खुल ना सके। यह चीज़ आप सुबह सुबह कर सकती हैं। अगर आपको पूजा करने में लेट हो जाता है तो आप लेकिन 12 बजे के पहले ही कर दीजिएगा। अब इस पोटली को अच्छे तरीका से बांध करके आपको वहीं बैठे बैठे घी का 2 दीपक जलाना है। अगर आपके पास घी नहीं है, किसी भी कारणवश अगर आपके पास घी नहीं है घर में, तो आप इसके जगह सरसों का तेल भी ले सकती हैं। अब आपको 2 दीपक जलाना है। अगर आप मंदिर में हैं तो एक शिव जी के सामने रखिएगा, एक विष्णु भगवान के सामने रखिएगा। अगर घर में है तो एक ही दीपक है तो आप एक ही दीपक जला सकती हैं। आप मंदिर के बीचों बीच रख दीजिएगा ताकि शिव जी और विष्णु भगवान जी को लग सके। अब आपको आरती भी करना है घर में, शिव जी का भी आरती करना है। सोमवार अगर आप करती हैं तो आपको एकादशी या सोमवार अगर आप दोनों साथ में आपका पड़ गया है तो आप दोनों पूजा कर सकती हैं अपने नियम के अनुसार। इस तरीका से आप दिया ले करके और शिव जी का आरती पूजा करने के साथ साथ विष्णु भगवान जी का भी पूजा कीजिएगा। जो भी आपके मन में कामना है वह विधि करते समय आप बोल करके पोटली को बांध करके विष्णु भगवान जी के स्थान पर रख दीजिएगा। अगर आपका मंदिर छोटा है, वहाँ पे पोटली नहीं रख सकते हैं, तो आप इस पोटली को अपने मंदिर के ऊपर रख दीजिएगा। कुछ ऐसे स्थान पे आपको रखना है जहाँ पे इस पोटली में किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, जैसे कि पोटली का गिर जाना, खुल जाना, ऐसा आपको नहीं करना है। एकादशी पूजा करने के बाद आपको इस पोटली को अच्छे से रख देना है और हमेशा आप अपने मंदिर में इस पोटली को रखिएगा। जब आप एकादशी पूजा कर लें उसके बाद अगर आपके घर में कोई चमत्कार हो रहा है तो अगर आप इस पोटली को घर में रखना चाहती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे शिव मंदिर में भी जाकर के रख सकती हैं। शिव मंदिर में जाकर भी कुछ ऐसे स्थान पर रख दीजिएगा जहाँ पे इसे कोई ना छुए और ना ही तो कोई इसे दुरुपयोग करे। सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसे अपने घर में ही रखिए, छोटा सा पोटली है आप रख दीजिएगा। अगर आपके पास संभव हो और उतना जगह हो तो इस पोटली को सबसे खास जो जगह रहेगा वह आपका पैसा वाला स्थान रहेगा, वहाँ रखने से भी आपके घर में माँ लक्ष्मी और धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। उम्मीद करूँगी दोस्तों बताया हुआ उपाय अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।